हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और हम भी एकदम बढ़िया है। जैसा कि आपको पता है कि करवा चौथ आने वाला है, तो हम लोग चल पड़े हैं शॉपिंग करने। तो इधर बाज़ार में हम ले रहे थे चूड़ियाँ, जो भी सुहागी का सामान वगैरह होता है, जो कि सुहागनों को देना पड़ता है, वो हम ले रहे थे। कुछ सामान हमने अपने लिए लिया, कुछ चूड़ियाँ वगैरह देख रहे थे, नेल पेंट, जो भी छोटा मोटा सुहागनों का सामान होता है वो हम यहाँ से ले रहे थे। तो लगभग हमारी जो ख़रीदारी थी वो हमने कर ली थी, जो जो हमें सामान चाहिए था, फटाफट से सारी शॉपिंग वगैरह करके सब कुछ ये हमने ले लिया था, सारा सामान जो भी था हमारा। तो अब हम घर वापस आ गए थे। तो शाम का जो हमारा प्रोग्राम था वो था हमारा मेहंदी लगाने का। तो यहाँ पर लगा रहे थे हम मेहंदी, हम बहुत लोग थे मेहंदी लगाने वाले। तो यहाँ पर हमारी मेहंदी लग रही थी, तो यही है मेरी मेहंदी जो कि लग चुकी थी अच्छी तरह से। तो फिर हो गई थी सुबह, और सुबह जब मेरे बच्चों ने मेरे हाथ में मेहंदी देखी तो उन्होंने बोला कि हमें भी मेहंदी लगानी है। तो मेरे बच्चे भी दोनों मेहंदी लगाने लग गए थे। तो इधर हम दिन को हमें टाइम पास करना था, तो हमने ये मैंने फेस मास्क लगाया था, और ये मेरी मेहंदी, आप देख सकते हैं कि कितना गहरा रंग आया है मेरी मेहंदी का। और ये दिन को था मेरा जो भी मेकओवर करना था मुझे, ये है मेरी ज्वेलरी जो मुझे पहननी है करवा चौथ पे। ये देखिए, ये है मेरी ज्वेलरी, ये नेकलेस जो भी है, इयररिंग, रिंग वगैरह, ये कुछ रिंग है, ये है चूड़ा, और ये है मेहंदी, जो भी मेकअप का सामान है वो सारा कुछ रख दिया था मैंने। तो ये मुझे पहनना था। सो हमने सोचा था कि हम दिन को क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। तो हम जा रहे हैं अब मंदिर, यहीं ममलेश्वर महादेव के मंदिर जा रहे हैं हम। वहाँ पर थोड़ी बहुत पूजा करेंगे हम जो भी है। तो उसके लिए हम अब रेडी हो रहे हैं। मेरा जो सामान वगैरह था मैंने सब कुछ रख दिया था रेडी होने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं सब कुछ मैंने रख लिया है निकाल के, ताकि मेरे को कोई भी चीज़ ढूंढने में फिर दिक्कत ना हो। और ये मैंने अपना सूट वगैरह निकाल दिया था, सब कुछ मैं रेडी हो गई थी लगभग। और फिर मैंने मेहंदी लगाई, और ये यहाँ पर लगा रही हूँ मैं मेहंदी, जो कि मुझे मेरी सिस्टर लगा रही है, आप देख सकते हैं। और मैंने मेहंदी भी रेड रेड लाई थी, क्योंकि करवा चौथ के दिन सब कुछ रेड रेड ही अच्छा लगता है एक सुहागन के लिए। और ये मैंने पायल पहन ली थी अपनी, बिछिया वगैरह जो भी था मेरा सारा कुछ। ये मैंने चूड़ा भी अपना लगभग पहन लिया, क्योंकि आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये चूड़ा आपको कैसा लगा। ये रेड वाला चूड़ा मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसलिए मैंने ये लिया था। तो वैसे तो मैंने ये बहुत पहले ही ले लिया था, मुझे ये बहुत पसंद था। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसको करवा चौथ पे पहनूंगी, क्योंकि उस टाइम जो भी था रेड रेड बहुत अच्छा लगता है सब कुछ। और ये देखिए, मैंने ये रिंग भी अपनी पहन ली थी। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए ये कलेक्शन आपको कैसा लगा, चूड़ा एंड रिंग। इसमें जो रिंग है वो कुछ सोने की है, कुछ चांदी की है, और कुछ आर्टिफिशियल की। तो हम चल पड़े थे यहाँ मंदिर। तो यहाँ मैं, यहाँ भाभी जी और यहाँ रोशनी, हम तीनों जा रहे थे मंदिर। तो आप लोग बताइए कि हम लोग कैसे लग रहे हैं। हमने थोड़ा बहुत मेकअप किया था, ज़्यादा चटक मटक कुछ भी नहीं किया था मेकअप। सो बताइएगा कि कैसे लग रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हम लोग कैसे लग रहे थे। वो हमने ज़्यादा कुछ चटक मटक नहीं की थी, थोड़ा सिंपल सा मेकअप, सिंपल से ही बने थे। तो यहाँ पर हम मंदिर में पहुँच कर यहाँ शिव जी भगवान की पूजा की। हमने यहाँ पर मंदिर में पहुँच गए थे, और यहाँ पर बहुत सी, मतलब सारी जो जितनी भी जिस चीज़ ने व्रत रखा था, सब लोग मंदिर आए थे भगवान शिव जी का आशीर्वाद लेने, गौरी माता का आशीर्वाद लेने। तो हम भी इधर पहुंच गए थे, हमने अपना जो भी था पूजा पाठ हमने सब कुछ कर लिया था। और शाम को हमने यहाँ अपनी थाली सजा ली थी, और फिर 10 बज गए थे, 10 बजे हमारा चांद भी निकल गया था। तो मैंने यहाँ अर्घ दिया भगवान जी को, और
फिर मैंने चांद को देखा और फिर मैंने अपने चांद यानी मेरे पति देव जी को देखा। तो फिर मैंने पूजा वगैरह की, चांद की पूजा की, अपने पति की पूजा की, जो भी था पूजा वगैरह करनी पड़ती है। पति देव जी का आशीर्वाद लिया, उनके पांव छुए और फिर उन्होंने मुझे पानी पिलाया और फिर मिठाई खिलाई, ये लड्डू भी खिलाया, कुछ और भी खिला रहे थे। तो मैंने उन्हें मना किया कि बस हो गया, मुझे अब इतना ज़्यादा नहीं। तो दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताइए।